क्या अभी खेलना चाहते हैं फ्री फायर अपने पुराने से पुराने पीसी या लैपटॉप पे, और आप थक चुके हैं गूगल में सर्च कर करके बेस्ट इम्यूलेटर फॉर फ्री फायर, बेस्ट इम्यूलेटर हाउ टू रन फ्री फायर 1GB 2GB रैम इन पीसी विदाउट ग्राफिक कार्ड, या आप एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो तो भैया इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो भैया जो आज का वीडियो होने वाला है काफी खास होने वाला है, एंड मैं आपके लिए ब्रांड न्यू इम्यूलेटर लेके आया हूँ आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप पे, जिसमें कि आप फ्री फायर काफ़ी आसानी और काफ़ी अच्छे एफपीएस के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको बस इम्यूलेटर डाउनलोड करना है, गेम को इंस्टॉल करना है, एंड आप सुपरमैन जैसा गेम खेलने के लिए रेडी हो। बट वेट, इम्यूलेटर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, आगे वीडियो पे आपको पता चलेगा। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भैया ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाएं, बगल में जो बेल आइकन है इसे भी दबा दें, क्योंकि भैया मेन चीज़ यही है, बेल आइकन घंटा नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन भेजता नहीं यूट्यूब, तो घंटा जरूर दबाना। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्यूलेटर का सेटअप कहाँ से मिलेगा और कहाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लो। तो सिंपली आपको सेटअप को डबल टैप करना है, एंड यहाँ पर मेक श्योर कि ये दोस्तों ऑनलाइन डाउनलोड होगा। तो जो इम्यूलेटर का टोटल साइज़ है यहाँ पर आपको पहले तो 88 MB जो आपका इंस्टॉलेशन में आपका लगेगा, एंड उसके बाद 400 MB का इम्यूलेटर डाउनलोड होगा। बट अगर आप 560 MB यहाँ पर अपना लगा रहे हो तो भैया पूरा पैसा वसूल है, आपका कोई भी एक भी डेटा यहाँ पर वेस्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा है GT Arcade जो हमारा इम्यूलेटर का नाम है, वो से आपको लॉग इन इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से आप साइन अप विथ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना, एंड यहाँ से आप गूगल या फेसबुक किसी से भी साइन इन कर सकते हो। तो यहाँ फटाफट से मैं अपने जीमेल से साइन इन कर लेता हूँ। सिंपली अपन कंटिन्यू पर बस क्लिक करते हैं, एंड हमारा जो इम्यूलेटर है वो सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है अपने जीमेल अकाउंट से। एंड यहाँ पर आपको ये देख रहे हो इम्यूलेटर फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एंड जिस भी बैटरी पे आप इसे इंस्टॉल करना है दोस्तों वहाँ पर आपका 3GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना, क्योंकि इम्यूलेटर आपका 2GB के आसपास स्पेस रिक्वायर करता है। सिंपली अपन यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो भैया यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 410 MB का यहाँ पर डाउनलोड होगा, तो ये बहुत ही स्पीड डाउनलोड हो जाएगा, कोई आपको स्पीड का इशू नहीं आने वाला है। तो भैया चलिए इसे डाउनलोड होने देते हैं। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा GT Arcade इम्यूलेटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फाइल से बैकअप करके अगर आप फ्री फायर इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब APK और OBB बैकअप करके, तो सिंपली इंस्टॉल APK में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड आपको सिंपली अपनी APK फाइल को डायरेक्ट करना है और सिंपली इंस्टॉल करना। और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। आपको अपने PC पे जाना है, यहाँ पर आपको अपने पिक्चर्स पे चले जाना है, एंड ये सेफ पिक्चर दिख रहा है यही आपका फाइल है जो आपका ये वाला खुलेगा फाइल असिस्ट। तो आपको सिंपली अपना OBB को वहां पर पेस्ट करना है और फाइल मैनेजर सिंपली आपको ओपन कर लेना है। यहां पर आपको फाइल मैनेजर का भी ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है दोस्तों, काफी OP है इम्यूलेटर। बट यहां पर मैं आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। फट से यहां पर मैं प्ले स्टोर में फटाफट से मैं लॉगिन हो जाता हूं अपने ईमेल आईडी से। पर हमने सक्सेसफुली अपने प्ले स्टोर पे लॉगिन हो चुके हैं अपने ईमेल आईडी से। सिंपली आपको यहां पर सर्च करना है फ्री फायर, एंड यहां पर आपको मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूं। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो वो मेथड पे आप जा सकते हो। सिंपली मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। हमारा जो गेम है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया। सिंपली अपन यहाँ से पहले तो सब क्लोज कर देते हैं, एंड यहाँ पर आपको फ्री फायर का आइकन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सेटिंग्स में दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बेशक यहाँ रूट ऑप्शन को यहाँ पर आप क्लिक कर लेना है। परफॉर्मेंस सेटिंग में आपको जो यहाँ पर है सेटिंग मैंने किया हूँ सिंपली आपको वही करना है। तो अगर आपके पास एक लो एंड PC है, लैपटॉप है, मतलब 2GB रैम 1GB रैम है, तो सिंपली आपको इसे लो में कर लेना है, ठीक है। एंड बाई डिफ़ॉल्ट जैसा यहाँ पर आपको वैसे ही करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पर आप स्पीड एस डायरेक्ट एक्स कर सकते हो, और ग्राफिक कार्ड नहीं है तो सिंपली आप OpenGL पे जा सकते हो। तो यहाँ पर हम साउंड पे आ जाते हैं। गेमिंग में यहाँ पर आपको 60 FPS पे करना है, और ये सभी को चेक कर लेना दोस्तों। एंड मोबाइल फ़ोन मॉडल में आपको ये चेक कर, जो मैं डाला हूँ सिंपली आपको वही करना है, एंड और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर अपन सिंपली कैंसिल पे क्लिक करते हैं, गेम को अपना यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर
फैक्टर का सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि इसमें आपको की मैपिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं। हाँ, बस आपको एक ही चीज़ यहाँ पर की मैपिंग करना है, ये जो देखते हो की सेट पर आपको जाना है। एक मिनट, की सेट पर अपन चलते हैं, पहले इसे हम ओके कर लेते हैं यहाँ से, डोंट शो मी दिस अगेन। तो सिंपली आपको की सेट पर आपको एक बार जाना है, एंड ये देख रहे हो ये माउस का, सिंपली आपको यहाँ पर कंट्रोल को दबा देना है, ठीक है। सिंपली हम सेव पे क्लिक करते हैं, लगता है तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर खुलेगा। सिंपली आपको सेटिंग्स पे आ जाना है दोस्तों, यहाँ पर आपको आ जाना है ग्राफिक सेटिंग्स पे, डिस्प्ले पे आ जाना है, एंड यहाँ पर दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये अल्ट्रा पे रहेगा। सिंपली आपको इसे स्मूथ में क्लिक कर लेना है, ठीक है, और FPS को नॉर्मल पे क्लिक कर लेना, और कुछ भी नहीं करना है। स्टैंडर्ड पे खेलोगे लैग करेगा, अल्ट्रा में खेलोगे तो भी लैग करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेटिंग आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अपन स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, एंड लेट्स देखते हैं कि हमारा गेम कैसा यहाँ पर रन कर रहा है। तो सिंपली आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हो, एंड आपके आपके जो कीबोर्ड में जो ESC का जो बटन रहता है कीबोर्ड पे, उससे दबाओगे तो हाफ स्क्रीन आ जाएगा। तो अभी मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। सो वाइल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा गेम ओपन हो चुका है, एंड ऊपर जो पिंक का इशू है वो धीरे धीरे अपने कम हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बोलते हैं कि हम जियो के सिम से खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाएंगे, तो भाई आप बिल्कुल खेल पाओगे। तो यहाँ पर मेरे को 38-33 का यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, पिन फ्लैक्चुएट होता है जियो में, ऐसा नहीं है, तो वो आप उसको इग्नोर करो, आपका गेम काफ़ी ओपी चलेगा। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर मेरे को कोई भी लैगनेस देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफ़ी ओपी देखने को मिल जाता है। आप हर एक इम्यूलेटर पर देखोगे जब भी हम लैंड करते हैं तो यहाँ पर जो जो ग्राफिक्स रहता है वो ब्लर हो जाता है या ग्लिचेस आ जाते हैं, तो भाई वो अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। तो भाई ये बहुत ही बेहतरीन इम्यूलेटर है आपके लो एंड PC या लैपटॉप के लिए। और अगर आप फ्री फायर खेलना चाहते हैं अपने 1 GB या 2 GB रैम वाले PC या लैपटॉप पे, तो भाई ये काफ़ी OP इम्यूलेटर है, आपको ज़रूर से इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। इम्यूलेटर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो भाई वहाँ से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात दोस्तों कि अगर आपको फ्री फायर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, तो भाई उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पर अगर कोई भी लिटिल सा भी एरर आता है तो प्लीज़ आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं।